मानसी, आपने जो कमेंट किया है मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये किसी को भी ऊपर बढ़ाए, चाहे उसमें जनरल क्यों ना हो, चाहे ओबीसी क्यों ना हो या दलित क्यों ना हो, कोई भी। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सिर्फ हम हैं, हम बैठे हुए हैं, यानी कि जो इनके लोग हैं, जो पुराने पुराने आरएसएस के लोग हैं, ये चाहते कि सिर्फ उनका ही काबिज सत्ता पर रहे। मुझे नहीं लगता कि ये जनरल को भी सपोर्ट करते। अगर ये जनरल को भी सपोर्ट करते, अगर ये ब्राह्मणों को सपोर्ट करते, तो कश्मीर में आंदोलन कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, टीचर को, एक टीचर की हत्या कर दी गई वहां पे, आंदोलन कर रहे, उनको आंदोलन भी ठीक से करने नहीं दे रहे। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों की, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो गई थी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये स्वर्ण के भी साथ हैं, ये सिर्फ उनके साथ हैं जो इनके इन कर्म कांडों में साथ होते हैं, सिर्फ ये उनके साथ में है मानसी। बाकी आपका कमेंट बहुत ही अच्छा था मनोहर। हेलो, राम राम जी भाई। मानसी, आप शायद मेरी बात को समझ रही होंगी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे देश में अमन, शांति, भाईचारा, मोहब्बत हमेशा कायम ही रहेगा जब तक हम जैसे लोग हैं और आप जैसे लोग होंगे, क्योंकि सभी को अच्छे से पता है जब देश की आजादी हुई थी ना, आजादी के समय में जो मर्द थे वो जंग में गए, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो ना मर्द थे वो संग में गए, सभी को पता है। तो ये इतिहास है, कोई बदल थोड़ी ना जाएगा इसको, ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। और कुछ लोगों के मैं इंटरव्यू देख रही हूँ कि हमें हमें हमारा इतिहास छुपाया गया, हमें इतिहास नहीं बताया गया और हमें महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया गया। अरे आप कौन से स्कूल में जाकर के पढ़े थे? हमने तो महाराणा प्रताप जी को पढ़ा है, उनका घोड़ा चेतक को पढ़ा है, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा है, अहिल्याबाई को पढ़ा है। इन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा, इन्होंने जो है हमेशा संघ की किताबें पढ़ी है, तो इनको नहीं पता। मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देख रही थी, एक हमारी नौजवान बहन भी थी उसका भी इंटरव्यू देख रही थी। मैं हैरान थी कि उम्र में तो ठीक ठाक लग रही है 25, 26, 27 साल की, और पता नहीं इन्होंने कौन सा जो है इतिहास पढ़ा है। उमेश यादव, थैंक यू उमेश भाई, पर इनका पता नहीं इनको कौन सा इतिहास पढ़ा दिया गया, जो कह रही कि हमसे महाराणा प्रताप को हमने नहीं पढ़ा। 26, 27 साल की उम्र वाली बहन ने बताई है महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ा, ये सुनकर के मैं हैरान थी, क्योंकि हमें भी अच्छे से पता है कि हमने भी इतिहास पढ़ा, हमने भी जो है पढ़ाई करी है स्कूल में, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, जिसे हम गांव में प्राइमरी कह दे मैं, वैसा सरकारी कह मैं, आपको पता ही होगा 1 से लेकर 3 तक गामन में स्कूल रहे मैं, वे प्राथमिक विद्यालय, उनमें हमने पढ़ाई करी है। फिर 10वीं की पढ़ाई हमने करी है, वो भी जो है इसी तरीके के स्कूल से करी है, तो ये 10वीं 12वीं भी करी है। हाँ जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। थैंक यू लेरा जी, लेरा जी ठाकुर, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट बेहद ही प्यारा था। अमन शर्मा, मुझे आपका कमेंट समझ में नहीं आया भाई। हाँ जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भीम सिंह नायक, पूनम जी हम आपके साथ हैं, कुछ भी कहे, थैंक यू सो मच। राम राम जी, राम राम जी। हाँ मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थोड़ी सी राहत है, बाकी ठीक हूँ, ठीक रहूँगी। पंकज बोल रहे हैं मेरे को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना है, हम बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं। पंकज चुपचाप से कर लीजिए ज्वाइन, वरना आपको छोड़ने भी नहीं देंगे, पता नहीं कौन सी जांच आपके घर भेज देंगे। स्वागत है आपका हमारे कांग्रेस परिवार में। और ये लोग पूछते हैं कांग्रेस क्या है, कांग्रेस गांधी नेहरू के सपनों का सम्मान है, गांधी जी का सम्मान है, साहित्य का साकार है कांग्रेस, ऐसे ऐसे लोगों को क्या पता क्या है कांग्रेस, जिन लोगों ने कभी कांग्रेस को समझा ही नहीं, जिन्हें हमारा भारत का जो तिरंगा है वो पसंद ही नहीं आता। आपने देखा ना नागपुर में इन्होंने जो हमारे तिरंगे का जो है किस तरीके से वो किया अपमान, अभी भी कुछ दिन पहले नागपुर वाले ऑफिस पे हमारा जो भारत का तिरंगा है उसको छोटा करके लगाया और अपना जो है तिरंगा इन्होंने बहुत बड़ा करके लगाया। तो ये सब चीज़ें इनकी जता देती हैं कि ये हमारे तिरंगे का सम्मान बिल्कुल करते नहीं है। अमन
अमन शर्मा नो कह रहा है कभी आओ और द्वार, समझ नहीं आया आपका कमेंट। आज मैं सोच रही हूँ आपके कमेंटों के ही जवाब दूँ, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी मुद्दे पर बात करती रहती हूँ, आप लोगों के जवाब नहीं दे पाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल भाई जी, रावतरम भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यही मैंने बोला अभी एक मिनट पहले। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, राम राम जी। इंद्रेश दुबे हेलो भाई जी, दीपक कुमार सिंह राम राम भाई, एस एल पंडिता, राकेश भाई हेलो, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देती हैं, तो आज मैं फुर्सत में आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठी हूँ। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। त्रिवेंद चौहान त्रिवेणी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ग्रेट वर्क सिस्टर। वेद प्रकाश गौतम, थैंक यू भाई जी। मैं कानपुर से एडिटर हूँ, देखता रहता हूँ न्यूज में, आपसे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू भाई, आइए जब भी आपका मन है मिलने का। हम कोई देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं, आपसे मिल नहीं पाएंगे, गृह मंत्री नहीं है, आइए आपका स्वागत है। कन्हैया के घर वालों से मिलने कब जाओगी? जितेंद्र सक्सेना कमेंट आ रहा कि उनके घर वालों से कब मिलने जाओगी। मैं अभी गई हूँ, मैं जिस समय ये घटना हुई थी मैं वहीं पर थी जितेंद्र भाई, मैं वहीं पर थी। नमस्ते पूनम जी, हम भी आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष है, हम भी आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार में, आइए बिल्कुल। आम आदमी पार्टी से हैं आप, कोई बात नहीं, आप आइए, आपका स्वागत है। मऊ जिले में आप कभी आइए, आपका स्वागत है। बहुत जल्दी आने वाले हो संदीप यादव भाई, आपको जो धमकी दे रहे थे वो कहाँ के आदमी थे? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जो जानकारी है वो पुलिस जुटा रही है कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ के नहीं है, तो अभी मुझे जो है इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ के हैं वो लोग। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी सोनू भाई, मैं देश के हित में काम करने निकली हूँ, जनता के हित में काम करने निकली हूँ, और जो व्यक्ति जनता के हित में और देश के हित में काम करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो निस्वार्थ काम करता है। अरुण हेलो भाई जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सिस्टर, आई एम ज्वाइन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइन कीजिएगा, स्वागत है सभी का। जितने लोग कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, अच्छा लगता है कि हमारे परिवार में मेहमानों का जो है स्वागत है भाई, हमारे परिवार में उन मेहमानों का स्वागत है जो आना चाहते हैं। पूनम जी कास्ट की लड़ाई कब खत्म होगी? कास्ट की लड़ाई जो है जब खत्म होगी, जब पहले हम अपने अंदर सुधार करेंगे, फिर हम दूसरों को वो सुधार करने की सीख देंगे, तो शायद धीरे धीरे चीजें जो है बेहतर हो जाए, क्योंकि पहले बहुत थी, धीरे धीरे कम हुई है। ठीक है, अब फिर से इस तरीके की चीजें लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे हिसाब से ठीक हो जाएंगी। आपने कांग्रेस में ऐसा क्या देखा जो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की? श्याम पारा सर, मैंने देखा कांग्रेस में कि कांग्रेस में वो ताकत वो जुनून था जो कांग्रेस जो है हमारे महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू शहीद आजम भगत सिंह उनके विचारों की पार्टी, मंगल पांडे उनके विचारों की पार्टी, और जो है सरदार भगत सिंह जो है उनके विचारों की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो सभी को साथ लेकर के जो हमारे सभी देश में जितने भी लोग रहते हैं धर्म मजहब से ऊपर रह करके सोचने वाली पार्टी, वो सम्मान नेहरू जी का, ज्ञान इंदिरा जी का, तो उन्हीं ज्ञान और विचार और उन्हीं सपनों को जो है पूरा प्रो करके कांग्रेस ने रखा, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि मेरे कांग्रेस परिवार में जो है ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, महिलाएं जो है जिनसे सीख लेती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, और विचारधारा सभी की सोच जिन्होंने देश को आजाद कराया, और सभी की सोच कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस कोई ऐसा नहीं किसी के से हटाने से हट जाए या कांग्रेस खत्म हो जाए, नहीं, कांग्रेस एक सोच है, सोच कभी खत्म नहीं होती है, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी
ज्वाइन की। आपका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच। हम भी आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। राम बचन यादव, मिलिए अपने जिलाध्यक्ष से और बोल दीजिएगा कि आप टीम से हैं हमारी, जुड़ जाइएगा। बोल देना हम उनकी एफबी टीम से जुड़े हुए हैं और हम जुड़ना चाहते हैं, बस जुड़ जाएंगे। बोल देना हम देश से जुड़े हुए हैं, हम देश को प्यार करते हैं, हम देश हित में काम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ले लेंगे। सोनू कुमार भाई का कमेंट आ रहा कि उस समय मुझे भी जेल में डाल दिया था। कोई बात नहीं भाई, जेल अच्छे लोग ही तो काटते हैं, आप काट रहे हैं, लेकिन आजकल का माहौल बड़ा वैसा हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं आजकल वो काट रहे हैं। एक भाई का कमेंट आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा भाई जी, बिल्कुल ऐसी पार्टी नहीं है। पंजाब का माहौल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऐसी पार्टी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक झूठा बिल लेकर के लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी हिम्मत और लगन अनुकरणीय है, कांग्रेस को ज्वाइन करके आपने एक सही राजनीति दल का साथ दिया। थैंक यू सो मच चंद्रीमा सेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस कमेंट की मैं दिल से कदर करती हूँ। कांग्रेस युवा की पार्टी है, कांग्रेस युवा की भी पार्टी है, कांग्रेस गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की, मजदूरों की, मजलूमों की, बेसहारों की पार्टी है। कांग्रेस देश की पार्टी है, ना कि दलालों की पार्टी। जैसे दलालों की पार्टी होती है ना, आजकल देख रहे हैं आप माहौल। हम भी आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं कपिल पांडे। बिल्कुल भाई जी, ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत है मेरे परिवार कांग्रेस में। आई लाइक कांग्रेस, कांग्रेस, थैंक यू, थैंक यू। बीकानेर राजस्थान पधारो, राजीव गांधी यूथ फेडरेशन में कांग्रेस, आपके स्वागत के लिए थैंक यू सो मच। मैं बीकानेर पहले आती थी, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, वहाँ पर शूटिंग करने के लिए, बहुत बार शूटिंग के मैच खेलने के लिए आई हूँ और बहुत जल्दी आऊँगी। अगर आप बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। मेरा इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो कीजिए और मुझसे जो भी कोई बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। पंडित पूनम 609 नॉन स्पेस मेरा इंस्टाग्राम है। और मैं एक बात और बता दूं, एक जो है मेरा ट्विटर अकाउंट भी है @PoonamPanditINDNonSpace। मैंने आपको जो अपने ट्विटर अकाउंट बताया, मेरा वही ट्विटर अकाउंट है और वही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सभी फेक बने हुए हैं, जिसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो फेक अपने अकाउंट फॉलो किए हुए आपको उन्हें अनफॉलो कर दें, जिससे कि आपको जो है गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि मैं एक मैसेज देख रही थी, किसी ने मेरे नाम की आईडी पे गलत मैसेज डाला हुआ है। कांग्रेस देश की पार्टी है ना कि दलालों की। हाँ बिल्कुल सचिन भाई, देश की पार्टी है, दलालों की नहीं है। जी जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। राकेश कुमार मौर्य, बिल्कुल भाई धीरे धीरे सब चीजें बेहतर होंगी। राम राम जी। कांग्रेस बहुत एट समबडी बोल कांग्रेस, ओके। दीदी आप उत्तर प्रदेश कामता शर्मा, बहुत ही खूबसूरत आपका कमेंट है। बाकी अच्छा लगा कि आप मुझे इस हद तक देखते हैं, लेकिन हमसे भी बहुत बड़े बड़े लोग पार्टी में हैं और उम्र दराज भी हैं, एक्सपीरियंस वाले भी हैं, देखते हैं। पूनम जी आपका ख्वाब बहुत ऊंचा है। एक मिनट, मेरे प्रधान महिपाल भाई, मेरे प्रधानमंत्री ने देश के लिए जान दी है, मेरी पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जान दी है, ना कि